लॉन्डो देखो डेजर्ट एक ऐसी गन है जिसमें लगभग सभी का वन टैप हेडशॉट लगता है, बट क्या आपका हर एक गोली हर एक सिचुएशन में इसी तरीके से डेजर्ट से वन टैप लगता है? अगर आपका आंसर ना है तो अगले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको डेजर्ट का किंग बना दूंगा। अरे इस वाली डेजर्ट नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको अपना फोन के हिसाब से कितना सेंसिटिविटी रखना है, 100 या फिर उससे कम? आपको अपना फायर बटन साइज को बड़ा रखना है या फिर छोटा रखना है? ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, एंड उसके साथ साथ एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी है। उसको अगर आप करते हो देन आपका 100% तगड़ा वन टैप लगेगा। समझ रहे हो, आपके दोस्तों के बीच में दबदबा आतंक बन जाएगा एंड आपका दोस्त आपको ये बोलेगा, बे हैकर इतने शॉर्ट रेंज में कैसे हेड मारता है, रुक तेरे को रिपोर्ट मारता हूं। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं, वन टैप लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे रशियन, मुझे इंडियन भी चलेगी। बट हेडशॉट लगाने का तीन इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा फैक्टर है सेंसिटिविटी, एमिंग एंड पेशेंस। देखो सेंसिटिविटी एंड पेशेंस ये दो चीज आप यूं ही आसानी से एक सेकंड में कर दोगे, बस सेटिंग तो करना है। बट ये जो एमिंग वाली चीज है वो ससुरा बदतमीज है एंड इसके वजह से ही आपका सारा सेटिंग सही होने पर भी आप सही से वन टैप नहीं लगा पाते हो। सो सबसे पहले हम लोग एमिंग को निपटा देते हैं एंड उसके बाद सेंसिटिविटी एंड बाकी सेटिंग की बात करेंगे। मेरी सेटिंग ने क्या बिगड़ा, उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? अरे नुबड़े हेडशॉट सेटिंग की बात चल रही है। तुम दोनों की जली ना। चुप, बिल्कुल चुप। देखो एमिंग का मतलब होता है अपना एम को टारगेट पर लॉक करना। अगर आपका एम एनिमी के हेड पर लॉक है तो एनिमी को हेडशॉट ही लगेगा। बट यहाँ पे सवाल ये है, अपना फ्री फायर में अपना एम को एनिमी के मुंडी पर लॉक कैसे करें जैसे कि हमारा सारा का सारा गोली वन टैप ही लगे? देखो प्रो बंदे तीन तरीके में से किसी एक को यूज करते हैं, वो भी सिचुएशन के हिसाब से। देखो वन टैप मारने का सबसे आसान एंड इफेक्टिव तरीका है, आपको अपना एम को एनिमी के पैरों के नीचे रखना है एंड देन सिंपल उसके बाद ड्रैग अप करने से आपका हेडशॉट लग जाता है एंड इसको अंडर द फीट टेक्निक बोलते हैं, जिसको बड़े बड़े प्लेयर यूज करते हैं एंड इवन मैं भी यूज करता हूं, आपको पता होगा। नो डाउट ये टेक्निक बेस्ट है बट इसका एक खामिया भी है, ये पैरों के नीचे एम रखने वाला टेक्निक ज्यादातर मिड रेंज पर यूज होता है। अगर एनिमी ज्यादा दूर है या फिर ज्यादा पास में होगा तो ये टेक्निक से वन टैप मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइदर रोटेशन ड्रैग आप सीख सकते हो या फिर अपर हेड टेक्निक तो है ही। रोटेशन ड्रैग में आपको क्या करना है, अपना एम को एनिमी के आस पास रखकर अपना फायर बटन को लेफ्ट या फिर राइट साइड की तरफ घुमाना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट, एंड आपका आसानी से शॉर्ट रेंज पर वन टैप लग जाता है। एंड अपर हेड टेक्निक में आपको अपना एम को एनिमी के मुंडी से थोड़ा ऊपर रखने के बाद अपना फायर बटन को थोड़ा नीचे लाकर स्पीड से ऊपर ड्रैग करना पड़ता है एंड ये दो ट्रिक मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज पर वन टैप मारने के लिए यूज किया जाता है। बट अगर आप ये सब करने के बाद भी आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो मेरे दोस्त समझ जाना आपका सेंसिटिविटी सही नहीं है या फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है नहीं, एंड वो चीज है एक्यूरेसी। कि आपका ड्रैग करने से ओनली बॉडी शॉट लगता है एंड ज्यादातर आपका गोली रिकॉइल हो जाता है, तो आपको रिकॉइल कंट्रोल सीखना पड़ेगा। वैसे तो रिकॉइल कंट्रोल एंड एक्यूरेसी बढ़ाने का बहुत सारे तरीके हैं, बट आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे अलग एंड हटके है, जिसका नाम है रिलोड ट्रिक। इसको बताने से पहले आप इन क्लिप्स को देखो एंड आप खुद समझ जाओगे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। चलो देखते हैं इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको सिचुएशन वाइज अपना एम को सही कर लेना है। यहाँ पर एनिमी शॉर्ट रेंज पर है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर रोटेशन ड्रैग ही करूंगा। एंड अभी आता है हमारा मेन ट्रिक, आपको हेडशॉट लगाने के बाद तुरंत अपना गन को रिलोड कर लेना है। एंड ये चीज आप कभी ना कभी पीसी प्लेयर्स को करते हुए देखे होंगे, ऐसे करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है एंड आपका तगड़ा हेडशॉट लगता है। बट मेरा मानो तो ये ट्रिक काम तो करता है बट इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे हो ये रहा है, एक बार हेडशॉट लगाने के बाद आप जब भी रिलोड करते हो आपका एम एनिमी के बॉडी को छोड़ के फ्री हो जाता है। उससे फायदा ये होगा आप बैक टू बैक एक से ज्यादा बंदों को हेडशॉट मार सकते हो एक के बाद एक एंड आपका एम एनिमी के बॉडी में स्टक नहीं होता है, यानी अटकता नहीं है। एंड यहाँ पर कंसेप्ट वही सेम है, अपना एम को फ्री रखना है, जो चीज आप रिलोड करके भी कर सकते हो या फिर एक गोली मारने के बाद एक सेकंड रुक कर भी एक गोली मार सकते हो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बट रिलोड करके मारने से थोड़ा अच्छा दिखता है, इसीलिए आजकल बंदे बेवजह रिलोड करके मार रहे हैं। बट इसका काम एक ही है। बटन का साइज कितना रखना है आपने तो बताया ही नहीं। ओके बेस्ट फायर बटन साइज, ये चीज आपको कोई नहीं बता सकता क्योंकि जो मेरे लिए बेस्ट है हो सकता है वो आपके लिए काम ही ना करे। सभी का फोन अलग होता है, मेरा फोन का स्क्रीन बड़ा है, हो सकता है आपका मुझसे ज्यादा बड़ा हो या फिर छोटा। तो कहने का मतलब ये है मेरे फोन में मैं फायर बटन का साइज 40 रखता हूँ जिसमें मेरा उंगली फिट हो जाता है। बट अगर मैं उसी 40 साइज को एक ऐसे फोन में रखूं जिसका स्क्रीन छोटा है तो उसमें मेरा फिंगर सेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए किसी का भी फायर बटन किसी को मत पूछो, वो उनके लिए बेस्ट है आपके लिए नहीं।
नहीं, तो फिर स्ट्रोम शक्ति हमें अपना फायर बटन साइज को कितना रखना है। देखो आपको अपना कस्टम एचयूडी में जाना है, देन अपना फायर बटन के ऊपर अपना थंब को रखकर उसका साइज को बढ़ाते रहना है, एंड तब तक नहीं रुकना है जब भी आपका फायर बटन का साइज एंड आपका थंब का साइज सेम ना हो जाए, एंड ये होगा आपके लिए बेस्ट फायर बटन साइज। एंड इसी बात के लिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज 30K लाइक एम कंप्लीट कर दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंस की। अरे भाई बंदा दिखा, रुको जरा, सब्र करो, देखो उसको, देन उसको मारो। नहीं, तुमको तो जल्दी रहता है, बंदे को देखते ही ड्रा करने लग जाते हो ना। आपको ये पता है बंदा किस तरफ भाग रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, धड़ाधड़ फायर करो, ऐसे करोगे तो कैसे हेडशॉट लगेगा बेटुआ। सो ऑलवेज पेशेंस रखो, पहले डिसाइड करो किस तरीके से ड्रैग करना है, थोड़ा टाइम लो, देन मारो, एंड ये करके देखो, देन मुझे बताना हेडशॉट लगा या फिर नहीं। ओके, अभी बारी आता है सेंसिटिविटी की। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। देखो डेजर्ट में आपको रेट ऑफ फायर पहले से ही कम मिलता है, एंड यहाँ पर आपका तभी सारा गोली वन टैप लग पाएगा जब भी आप बेस्ट सेंसिटिविटी यूज करोगे। एंड स्पेशली जिनका थोड़ा पुराना एंड कम रैम वाली फोन होता है, मुझे पता है भाई लोग, उनके साथ ज्यादा दिक्कत होता है, बट टेंशन काइको, तुम्हारा भाई है ना। देखो सबसे पहले यार, तुम्हारे पास जो कोई भी फोन हो, जो भी फोन हो, उसमें गेम का जनरल सेंसिटिविटी को आंख बंद करो एंड फुल कर दो, बिल्कुल 100, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे, एंड बाकी सेंसिटिविटी को भी फुल कर दो। एक बार ट्रेनिंग जाकर देखो, बिल्कुल बिंदास खेलो, मैंने जो सब टेक्निक बताया उसको यूज करो। अगर आपका हेडशॉट लग रहा है तो कांग्रेचुलेशंस, एंड अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे आप डेजर्ट का कम रेट ऑफ फायर को चुटकी में बढ़ा पाओगे, एंड उसके बाद आपका हेडशॉट ही हेडशॉट लगने वाला है। एंड उसके लिए हमें एक कैरेक्टर को यूज करना है जिसका नाम है लूना। अगर आप उसको यूज करोगे, उसका एबिलिटी के मदद से वो आपका किसी भी गन का रेट ऑफ फायर को बढ़ा सकता है, एंड उसके बाद आपका डेजर्ट ईगल से तगड़ा वन टैप लगेगा। ऐसे ही अगर आप हेडशॉट का सारा सेटिंग एंड ट्रिक जानना चाहते हो, देन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को देख लो, एंड अगर आपको क्लास स्क्वाड का हर एक मैच जीतनी है तो ये राइट वाली वीडियो देख लो, आपका काम बन जाएगा। और मेरा 30 मिनट गैंग पहले 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करेगा, मैं उन सभी को अपना हार्ट दूंगा, एंड उसके साथ साथ उनको रिप्लाई भी मिलेगा। तो फटाफट से यार क्या कर रहे हो, काम में लग जाओ।